गाइस वेलकम बैक टू माय किचन। तो आज मैं बताने जा रही हूँ पापड़ की रेसिपी। पापड़ कितने बड़े, आप इसे आसानी से घर में बना सकते हैं मेज़रमेंट के हिसाब से, अगर आपका इंग्रेडिएंट्स ठीक तरीके से अच्छे से लिया हो। तो हमने एक गंजी में ले लिया है 1 से 2 गिलास पानी, 2 से 3 गिलास पानी, 3 से 4 गिलास पानी, 5, 6। तो हमने 6 गिलास पानी लिया और हम इसमें खारक डाल लेंगे स्वाद अनुसार। काला नमक भी ऐड कर लेंगे स्वाद अनुसार थोड़ा सा, और बेकिंग पाउडर थोड़ा बॉईल होने देना है। तो हम इसमें 3 गिलास डाल लेंगे चावल का पाउडर। 6 गिलास पानी में 3 गिलास चावल का पाउडर ऐड करेंगे और इसमें फास्ट कर लेना, और इसके बबल्स ना बनने दें, और इसे अच्छे से फास्ट हाथों को चलाना है, मिलाते हुए फास्ट डालते जाएं। 6 गिलास पानी में 3 गिलास चावल का पाउडर, अगर आपको इसमें इसका मेज़रमेंट लगा सकते हैं 6 गिलास से, यानी कि आपको 3 गिलास लेना है तो उसमें 2 गिलास चावल लेंगे आप। तो चलिए इसे अच्छे से मिक्स कर लें, और चम्मच को चलाते हुए अच्छे से मिक्स करते जाना है, अपने हाथों को बचाते हुए इसे मिक्स कर लेना है। इसे मिक्स करके इसको अच्छे से मिक्स करते जाएं, अच्छे से मिला लें। जहाँ से ड्राई दिख रहा है पूरा मिक्स करके तैयार है हमारा ये बनके। तो हम इसमें 2 पन्नी लिया, उसमें ऑयल ग्रीस किया है, और हमारे पापड़ देख सकते हैं हम मशीन की सहायता से बना रहे हैं। तो ऐसे बन के तैयार है हमारे सारे पापड़, और इसे फ्राई करके बता कैसे बने हैं हमारे पापड़। तो चलो हमने एक ऑयल में, देखिए कितने प्यारे पापड़ बन के तैयार हैं हमारे। तो आप भी ट्राई करें ये रेसिपी को, और का मेज़रमेंट भी ठीक रखें, जब भी आपके पापड़ बन के तैयार हो जाएंगे अच्छे। और देख सकते हैं ये कितना बड़ा हुआ है, क्रंची पापड़।